तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुशांत और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ सुशमीस। तो आज हम आ गए हैं एक स्ट्रीट फूड के अगले वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता था बेसिकली कि फेवरेट स्पॉट्स बताना चाहता हूँ जो मैं बचपन से जो है खाते आ रहा हूँ, और मैं कहीं पे भी चले जाऊँ वहाँ पर मुझे उसका जो है टेस्ट जो है कहीं और नहीं आता, सिर्फ यहीं पर ही आता है। तो सबसे पहले वो चीज़ है जो इस बारी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा घर पे बनाई गई है, लेकिन सबको टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, क्योंकि स्ट्रीट फूड को आप कंपेयर नहीं कर सकते घर के फूड के साथ। तो आज जो हम चीज़ पहले सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं वो है गोलगप्पे, जो कि मैं अभी बेसिकली हूँ मोती बाज़ार, मेरे लोकल एरिया में ही है। यहाँ पर मोती बाज़ार जम्मू सिटी में हूँ, वहाँ पर गोलगप्पे वाले हैं अंकल। तो हम शुरू से ही बचपन से ही वहीं पे खा रहे हैं, हमें जो है उनकी टेस्ट की आदत सी लग गई है। तो अब बिना उनके जो है हमारा सर्वाइव होना गोलगप्पे के बिना मुश्किल है। तो अभी हम चलते हैं और खाते हैं गोलगप्पे और बताते हैं कि कैसा टेस्ट है उनका। बहुत अच्छा अंकल, आप कब से ये शॉप चला रहे हो? मैं तो 82 से चला रहा हूँ। 1982 से? हाँ हाँ, क्योंकि हमें पता है, पापा भी कह रहे थे कि बहुत टाइम से आप लोग यहाँ पर हो। हमें तो यहीं के गोलगप्पे खाने की आदत है, मतलब मैं दिल्ली में भी गया था लेकिन दिल्ली में भी ऐसा स्वाद नहीं मिला जैसे यहाँ पर है। तो आप बताओगे कि क्या क्या लाइक यूज़ करते हो बेसिकली पानी बनाने में, यहाँ पर टेस्ट कहाँ से आता है इतना अच्छा? हाँ, टेस्ट तो ऐसे आता है कि हम जो भी डालते हैं ना उसमें तो कोई भी डुप्लीकेट नहीं होती है। अच्छा, तो हर चीज़ अच्छी डालते हैं उसमें। तो क्योंकि मैं बाहर लाइक दिल्ली में गया था, वहाँ पर दो तीन तरह के पानी उन्होंने रखे होते हैं अलग अलग। तो आपका जो है कौन सा लाइक मिक्स होता है पानी या फिर ज़्यादा? नहीं, हमने तो एक ही पानी रखा होता है, मगर वो जो उन्होंने तीन पानी रखे होते हैं, चार पानी, उनका फ्लेवर अलग अलग होता है। वो तो कलर भी वगैरह डाला होता है उन्होंने, तो ऐसे वो हरा डाल दिया तो हरे का हो गया, जीरे वाला बना दिया, इंक वाला बना दिया, कुतने वाला बना दिया, ऐसे होते हैं। सही पानी तो खाने वाला यही होता है, क्योंकि हमने देखा आप यहाँ पे सामने ही बनाते हो पानी वगैरह। हाँ हाँ, तो वो तो अच्छा ही लगता है वैसे भी। हाँ, यही गोलगप्पे का पानी मेन तो इमली का होता है ना। हाँ जी, तो कुतने वाला हो गया, जीरे वाला हो गया, तो ऐसे ही होता है।
तो यहाँ पर लाइक सूजी वाले क्यों नहीं खाते, यहाँ पर आटे वाले ही? हमारे जम्मू के लोग ना जो आटे के गोलगप्पे पसंद करते हैं, सूजी वाले नहीं खाते। क्योंकि मैं भी पहली बार जब दिल्ली गया था मुझे भी वही पता चला सूजी के भी गोलगप्पे होते हैं। तो क्योंकि पानी पूरी वगैरह बोलते हैं ना, वहाँ पर तो मुझे मिले ही नहीं थे ये आटे वाले, तो बहुत आटे वाले नहीं उधर कम खाते हैं। हमारे जम्मू के लोग जो भी है ना ये आटे के गोलगप्पे पसंद करते हैं। तो वैसे यहाँ पे प्लेट का क्या हिसाब है लाइक? तो 20 की प्लेट होती है, 6 पीस होते हैं। 6 पीस होते हैं तो हमारे जम्मू में भी कई जो 40 के 6 पीस बेच रहे हैं, तो उन्होंने भी कलर शलर बनाए हुए हैं तो वैसे ड्रामेबाजी। हाँ तो हमने तो यहाँ पर ही खाए हुए, यहीं पे हमें अच्छा लगता है, कहीं नहीं अच्छा। और अभी क्या फ़र्क आया कोरोना वायरस के वजह से यहाँ पर? कोरोना वायरस का अब तो फर्क काफ़ी आ गया है। हाँ तो पहले बाजारों में रौनकी वगैरह नहीं होती थी, तो अब तो काफ़ी फ़र्क है कोरोना का, तो लोग भी इतने डरे हुए नहीं हैं अब, तो खाना पीना भी लोगों ने स्टार्ट किया है बाजारों में। तो लेकिन फर्क तो होगा ही ना, जो पहले का जो था? काफी फर्क है, काफी फर्क है पहले से। तो मैंने भी आपको देखा लाइक आपने भी पूरे टाइम पे मास्क डाला होता है, एक बार भी उतारा नहीं आपने। तो सही है, आपसे अच्छा लगा बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। करने खुद कर अभी हम काम। तब हम आ गए अपने दूसरे स्पॉट पे जो कि है फकीर चंद की दुकान, बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है यहाँ पर। और यहाँ के जो है फेमस जो है हमारे पास हमने ऑर्डर किए हैं वो है गुरगुले, जिसको हम दिल्ली वाले अगर लैंग्वेज में बोलें तो उसे राम लड्डू भी कहते हैं। आई डोंट नो उसे राम लड्डू क्यों कहते हैं पर हमारे यहाँ तो इसे गुरगुले कहते हैं। तो इसमें हमें जो है हमने एक प्लेट ऑर्डर की थी, तो यहाँ पे हमें 4 पीस मिले हैं इसके, और पीस लाइक क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। इसके साथ हमें मिली है मूली और इमली की चटनी। तो हम इसे खाते हैं और देखते हैं कि कैसे बने। तो दिल्ली में हमें राम लड्डू मिलते हैं ना, उसका इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं होता, छोटे होते हैं उसका। और वो आई थिंक 20 रुपीज़ की प्लेट में सिर्फ 4 मिलते हैं, अब ये शायद से 10 रुपीज़ की प्लेट में आपको 3 गुरगुले आसानी से मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इवनिंग स्नैक में आप खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हो इसे। तो अब हम इसे खा लेते हैं और दूसरी आइटम को भी चखते हैं। तो हमारे पास दूसरी जो आइटम है यहाँ पर वो फेमस जो है यहाँ पर जो है वो है भल्ले, जो कि दही भल्ले में हम यूज़ करते हैं ना भल्ले, वो वाले भल्ले हैं। यहाँ पर अगर किसी को और शादी के लिए ऑर्डर चाहिए या फिर कोई फंक्शन है तो वो भी यहाँ से ऑर्डर कर सकता है। तो आपको यहाँ पर पहले आके प्री बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो जो है आप यहाँ पर आकर जिस डेट पे आपको चाहिए वो ले सकते हो। मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर दूँगा नंबर जिसको आप कॉल करके जो है बुकिंग करवा सकते हो अपनी, या फिर मिल सकते हो यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर दही भल्ले भी खा के देखता हूँ, इसके साथ भी जो है इमली की चटनी और मूली दी हुई है।
ये शॉप कब से है यहाँ पे? ये बहुत पुरानी दुकान है। बहुत पुरानी है। हाँ। क्या क्या वैरायटीज आप देखते हो यहाँ पर? ये प्याज के पकौड़े हैं, आलू के, कांची फल के, पालक के, नंदू के, गुवारे, पल्ले, भूले। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या लेते हैं? और ब्याह का काम होता है ना पलों का। हाँ जी, ब्याह शादी में लेते हैं पहले पलों का काम। ये बल्ले वही है ना जो दही में डलते हैं, दही बल्ले जो हम यूज़ करते हैं। ब्याह शादी में बहुत जाते हैं। हाँ जी, और गुलगुले लेते हैं आई थिंक यहाँ पे। हाँ जी, और आप शादी वगैरह पे भी लाइक ऑर्डर वगैरह लेते हो ना? हाँ, क्योंकि किराए पे। हाँ जी, अच्छा अच्छा, बुक कर आ सकते हैं। हाँ, तो मैं ठीक है यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूँगा। और बल्ले भी होते हैं, चांपे होती हैं। कोरोना के चलता आपका क्या आया, लाइक डिफरेंस क्या आया बिजनेस में, क्या इफेक्ट पड़ा है अभी तक? पहले से पहले वाला काम नहीं है, काम नहीं है, काम काम है पहले से। ऐसे ठीक है, काम ऐसे ठीक है, जो पहला होता था वो नहीं है। भैया प्लेट का क्या हिसाब है, गुलगुली की प्लेट लेनी हो तो कितने मिलता है? प्लेट नहीं होती हमारे पास, हमारे पास टूना होता है, 30 रुपये का टूना। अच्छा, टूना होता है। हाँ। तो उसमें कितने पीस होते हैं गुलगुली के? 6 पीस गुलगुले के, 6 पीस और बल्ले के 4, मतलब 5 रुपये का बल्ला हो गया ना। गाइस, अब हम घर पर आ चुके हैं खाने के बाद, और जो नहीं खाया था उसे पैक करा के लेके आ गए हैं, और घर पे आके अब हम उसे खाने वाले हैं जो हमने बच गए थे वहाँ पर, क्योंकि मन नहीं था वहाँ पर खाने का इतना खड़े होके। तो हम पैक करवा लिए, तो और अब हम घर पर आ गए हैं, अब उसे खाएंगे थोड़ा सा। तो आज का वीडियो फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रीट फूड आपके सामने लेकर आएँ, और आप चाहते हैं कि इस किसी पर्टिकुलर चीज़ का हम रिव्यू दें, तो हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। जैसे कि सब जानते हैं कि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो हम आपके लिए ला रहे हैं नवरात्र स्पेशल सीरीज़, जो कि कल या फिर परसों से हमारे चैनल पर आएंगे रेगुलर फॉर 9 डेज़ के लिए। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।